वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ विद सैयद सिस्टर। तो जी जनाब, डे 3 सलाला व्लॉग के साथ मैं हूँ आपके साथ और आप हैं मेरे साथ। तो चलें जी एक्सप्लोर करते हैं। आज जो हम जगह ही जा रहे हैं वो है जी एक वाटरफॉल है जिसका नाम है एनखोर, और आज हम देखेंगे सलाला का बीच जो कि जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा हाइप सुनी हुई थी उस बीच की, तो आज हम उधर भी जाएंगे। लेकिन पहले जो हम यहाँ आए हैं, जो ये रास्ता है वो है, अच्छा पहले आप मेरा आईलाइनर चेक कर लें, बड़ा मुझे अच्छा लगा था आज का आईलाइनर अपना। और दूसरा ये कि अब हम पहुँच चुके हैं एनखोर जगह है, और ये भी वाटरफॉल है, और यहाँ से हमें आगे जो है थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी और पानी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत और हसीन है, और ये पानी उसी वाटरफॉल से आ रहा है। तो हमने अब चल के जाना है उस वाटरफॉल तक, तो देखते हैं कैसा लगता है और कैसी है ये वाटरफॉल। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं, बीच हैं और माउंटेन्स वगैरह हैं, यही स्पॉट्स हैं। तो अब हम चल पड़े हैं और आप भी हमारे साथ हैं, सो स्टे ट्यून्ड और देखते हैं कैसा रहता है हमारा ये जर्नी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये थोड़े से बड़े बड़े पत्थर थे जिसको क्रॉस करके हमने उस जगह पे पहुँचना था। ये शुक्र था कि हम लोगों ने ज़रा शूज़ वगैरह सही पहने हुए थे कि हमसे सही से वॉक हो रही थी, और अगर हम सैंडल वगैरह या कुछ पहन लेते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। और वो है जगह, वो है वाटरफॉल जहाँ तक हमने जाना है, और दूर से ही इतनी अच्छी लग रही है। हम तकरीबन बस पहुँच ही चुके हैं, मेन जो पॉइंट है बस थोड़ा सा ही दूर रह गया है, और यहाँ से ये पानी जा रहा है। पानी का कलर बिल्कुल लाइट मार्बल ग्रीन सा है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, और यहाँ मैं थक के बैठ गई थी और बस हम तकरीबन ये पहुँच ही चुके हैं। स्विमिंग वगैरह भी लोग कर रहे थे, लेकिन वैसे यहाँ पे स्विमिंग वगैरह मना है, बोर्ड वगैरह लगे हुए थे लेकिन लोग फिर भी कर रहे थे। और यहाँ है मेरा बेबी इस्लाम जो कि बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत तैयारी में है कि अब मैं यहाँ पर नहाऊँगा। और ये है सीन, और मैं अब आपको दिखाती हूँ एनखोर वाटरफॉल का फुल व्यू। काफ़ी अच्छा रहा हमारा यहाँ का ट्रिप और बहुत मज़ा आया। काफ़ी देर हम यहाँ पे बैठे, मौसम भी अच्छा था, बादल आए हुए थे, और माशाल्लाह अज़लान ने काफ़ी इन्जॉय किया और हम लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, थोड़े थोड़े लोग आए हुए थे तो ज़रा अच्छा लग रहा था, रश होता तो शायद ज़्यादा कंजस्टेड सा हो जाता। तो अब हम जा रहे हैं वापस, और नेक्स्ट है हमारा, जो हमारा जाने का स्पॉट है वो है बीच जिसका नाम है मुक्सेल बीच, और बहुत ज़्यादा मैंने उसकी हाइप सुनी हुई है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा खाने पीने का करेंगे क्योंकि भूख शदीद लगी हुई थी। तो अब हम जो खाना खा रहे हैं ये है यहाँ की बड़ी मशहूर मंदी है। अच्छा जी, ये मंदी मैं आपको दिखाऊंगी, ये पत्थरों पे बनी हुई है, ठीक है, और साथ ही छोटे गोश्त का सालन भी देते हैं ये, और रोस्ट हुई हुई चिकन होती है, और बहुत मज़े का इनका ये था। और ये बिल्कुल बीच से थोड़ा सा पहले ही इन्होंने एक छोटा सा वो लगाया हुआ था, लेकिन खाना बहुत अच्छा था, टेस्टफुल था। तो हमने कहा चलें जी इसको ट्राई करते हैं, और अब हम खाएंगे खाना और फिर हम पहुँचेंगे बीच पर। तो आगे की क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और काइंडली पूरे व्लॉग को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें।